3 जनवरी 2023 कोकड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही आशुतोष शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बच्चों के लिए दो विशेष उपाय बताए हैं। साथ में गुरुजी ने बता दिया है कि किस दिन से डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः किस दिन से बंद किया जा रहा है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, कोई तकलीफ आती है, तो इस बात का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कष्ट आने पर हम भगवान की भक्ति से डगमगाते हैं कि नहीं, यह भगवान देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, जिस मंदिर में हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं उस मंदिर की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वह खंडित हो गई है, किसी ने तोड़ दिया है। अब मैं पशुपतिनाथ व्रत करती हूँ तो हम आगे का पूजन करें कि ना करें? तो इस पर गुरुजी ने कहा, क्योंकि तुम पशुपतिनाथ का व्रत का जो पूजन कर रही हो, एक ही मंदिर में कर रही हो, एक ही शिवलिंग पे कर रही हो, एक ही स्थान पे कर रही हो, तो आगे जब भी शिवलिंग आएगा तो आप आगे का पशुपतिनाथ व्रत उसी मंदिर में रख सकते हैं। मतलब आपने दो पशुपतिनाथ व्रत रख लिए हैं तो आगे का तीसरा पशुपतिनाथ व्रत उसी मंदिर में आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनने आने वाले शिव भक्तों से एक निवेदन किया, अगर आप पूरी कथा नहीं सुनना है, आपको बीच में कहीं उठकर जाना है, घर जाना है, तो आप आगे आकर मत बैठो, आप पीछे बैठ जाओ और वहीं से चले जाओ। क्योंकि अगर तुम आगे आकर बैठते हो और बीच में जाते हो और जाते वक्त तुम्हारा पांव किसी को लग जाता है, ऐसे में उससे लगने वाले दोष का जो भोग भोगना पड़ता है वह तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसे जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। अगर आप भी शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो आपको शिव भक्त बनकर ही कथा सुनने जाना है। आपकी सत्ता, आपका वैभव, आपका अहंकार, आपका अभिमान, क्रोध सब आप घर में छोड़कर ही आ जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे होते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी बात महादेव सुन रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपशिखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव, मेरा एक पुत्र के पैर में फुटबॉल का नेशनल खिलाड़ी होने के कारण बहुत दर्द बना रहता था। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को बताया तो उन्होंने नाड़ी की एक बीमारी बताई, 24 घंटे दर्द बना रहता था। उसे बॉम्बे के धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में भी दिखाया पर कोई आराम नहीं लगा। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ। तब मैंने मेरे बेटे को कहा, वह भगवान को नहीं मानता था, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करे। वह 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जाप करता, साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता और उस जल का आचमन करना शुरू किया। मेरा बेटा ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। दीपशिखा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 250 व्यक्ति उनकी नज़र में ऐसे थे, उनकी दृष्टि में ऐसे थे जो कभी भी मंदिर नहीं जाते थे। वह दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे या फिर प्रवेश कर चुके थे और उनको उन्होंने एक बार बस शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर जल चढ़वाया तो वे भी नास्तिक से आस्तिक बन गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने घर के बच्चों को शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़वाते हो तो 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या फल प्राप्त होगा? जिस घर का बच्चा, जिस घर के बच्चे शिवलिंग में 1 लोटा जल चढ़ा रहे होते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का चरणाम व्रत पीते हैं, उस घर के बच्चे कभी भी मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, वह शराब जैसे व्यसन से हमेशा दूर रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के बच्चे बचपन से अगरबत्ती और धूपबत्ती मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर ही जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उस घर के बच्चे जीवन में कभी भी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगा सकते। यह प्रभाव होता है घर के बच्चों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने से। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे शिव मंदिर पर जाकर जल चढ़ा रहे हो तो आपके द्वारा दिन की शुरुआत इस प्रकार करने से महादेव आपके पूरे दिन को बना देते हैं, मतलब पूरे दिन में महादेव का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की ग्यारहवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस समय तुम परीक्षा देने जाओ, तुम मेहनत कर रहे हो पर तुम्हें मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पा रहा हो, तो महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। मंदिर में जाकर महादेव से निवेदन करो कि महादेव, मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, महादेव आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की बारहवीं जानकारी की ओर। सल्ला नामदेव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी एक आँख की नस चोक हो गई थी,
जिसकी वजह से मेरी आंख से पानी निकलता ही रहता था, कभी बंद नहीं होता था। 10 वर्ष हो गए थे, धीरे धीरे आंख की रोशनी भी कम हो गई थी। डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, 10 वर्ष इलाज कराते हो गए पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने हाली को सखी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मैं वहां बैठकर अपनी दशा महादेव को बताई। अगले ही दिन से मैं एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उस जल को मैं अपनी आंखों के ऊपर लगा लेती और थोड़ा सा जल का आचमन कर लेती, मतलब पी लेती। अब आंख पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से शरीर से ना जाने कितनी बीमारियों का अंत हो जाता है। शरीर को वज्र बनाता है शिव का चरणामृत। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ को 2018 में कैंसर हो गया था। इलाज कराने के बाद वह ठीक हो गया था, पर 2022 में फिर से कैंसर के लक्षण दिखने लगे। उनका पांव भी इतना सूज गया, उनका चलना फिरना बंद हो गया, वह बिस्तर पर पड़ गई थी। हमारे भाई जो ट्रेनिंग कर रहे थे भोपाल में, हमने हमारे भाई से कहा कि वह सीहोर के कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष ले आए। उन्होंने कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लाया और रात्रि को हम उस रुद्राक्ष को जल में गला देते और अगले दिन उस जल को शिवलिंग पर चढ़ा देते और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके हम अपनी माँ को पिलाते। बाबा की कृपा से मेरी माँ का स्वास्थ्य में सुधार आने लगा है और डॉक्टर ने भी अब ऑपरेशन की मना कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का आनंद ही अलग है और यह रुद्राक्ष निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं देना है आपको इस रुद्राक्ष के लिए। इसके बाद गुरुजी ने एक बड़ी जानकारी दे दी जो कि इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने कहा, अभी हम जो डॉक्टर की रिपोर्ट को देखकर रुद्राक्ष दे देते हैं, पर आने वाली 5 जनवरी से उन्हें भी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। मतलब जो रिपोर्ट दिखाकर, डॉक्टर की दवाई का पर्चा दिखाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें रुद्राक्ष मिलना बंद हो जाएगा। मतलब 5 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद होने वाला है। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। अब रुद्राक्ष सभी को मिलेगा, स्वस्थ हो या रोगी, सभी के लिए रुद्राक्ष वितरण फिर से चालू होगा, जो कि 16 फरवरी 2023 से जो रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है तब से आपको रुद्राक्ष मिलेगा। मतलब 5 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद करके 16 फिर से चालू होगा, पर उसमें आपको रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। जो आप पहले आधार कार्ड से अपना रुद्राक्ष प्राप्त करते थे, उसी प्रकार से आप रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर आप सीहोर के कोबरेश्वर धाम में आना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा, सीहोर के रेलवे स्टेशन में सीधे कई बड़ी ट्रेनें आती हैं, कई राज्यों की ट्रेनें सीधे सीहोर आती हैं, उन ट्रेनों से आप सीहोर आ सकते हैं। और सीहोर से कोबरेश्वर धाम की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। पूरे भारत के लोगों को रुद्राक्ष महोत्सव का निमंत्रण देते हुए गुरुजी ने आज की कथा का समापन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष ने जानकारी दी कि कानपुर में होने वाली शिव महापुराण कथा में परमिशन नहीं मिलने की वजह से उस कथा को कैंसिल कर दिया गया है। यह कथा 12 जनवरी से होने वाली थी। अब गुरुजी की जो अगली कथा होगी वह 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023 को पावागढ़ की पावन धरा में होने वाली है। आज की कथा से जुड़े प्रश्न और प्रतिक्रिया आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना।